तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ। और आप देख रहे हैं बोली गेंग। आज हम बात करने वाले हैं परवाज़ की आने वाली फिल्म, जो कि इसी महीने में आने वाली है। दोस्तों भाई साहब, इसका रन टाइम पता चल चुका है। दोस्तों मैं काल की मूवी की बात कर रहा हूँ, इसका फाइनल रन टाइम पता चल चुका है, कितने घंटे और कितने मिनट और कितने सेकेंड की मूवी होने वाली है। दोस्तों आज मैं आपको काल की मूवी के बारे में कई सारी बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों भाई साहब बेल आइकन दबा दें, नया चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों आप सबको तो पता है कि परवाज को एक हिट मूवी की तलाश है। दोस्तों वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कई सारे लोग ये कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि भाई सालार मूवी हिट हुई है। दोस्तों सालार मूवी को हिट नहीं बोलेंगे, मैं इस मूवी को एवरेज बोलूँगा भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो। क्योंकि भाई इसके साथ जो क्लेश हुआ था वो डंकी मूवी का हुआ था। डंकी मूवी दोस्तों हिंदी बॉक्स ऑफिस को खा के रख दी थी। दोस्तों क्लेश होने के बाद भी डंकी मूवी जो फिल्म थी वो एक स्लो मोशन, एक तरह की दोस्तों एक रोमांटिक बोल सकते हैं इसे, एक सीख वाली मूवी थी जो कि स्लो मोशन बोल सकते हैं इसे मूवी को, यहाँ पर देखा जाए तो। सालार मूवी की बात करें भाई, ये जो मूवी थी ये मूवी एक्शन ड्रामा यानी कि आज के ज़माने पर बनने वाली दोस्तों बेस पर मूवी थी, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। तो गाइस ये मूवी, मतलब मैं सालार मूवी को ज़्यादा बड़ी हिट नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि भाई ठीक ठाक मूवी है। बाकी दोस्तों इससे पहले भाई आदि पुरुष, शाहो, दोस्तों प्रेम, जो रोमांटिक मूवी थी भाई प्रेम की नहीं है इस तरह की भाई इसकी मूवी थी, दोस्तों सारी मूवी दोस्तों फ्लॉप हुई थी, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी अब इस तरह की अपडेट आ रही है कि भाई जो काल की मूवी का जो रन टाइम है दोस्तों वो है 2 घंटे 49 मिनट की है दोस्तों मूवी होने वाली है। बाकी दोस्तों इसमें से कुछ सेकंड कुछ मिनट दोस्तों ऊपर नीचे भी हो सकते हैं भाई साहब यहां पर देखा जाए तो, लेकिन 2 घंटे 49 मिनट की दोस्तों मूवी होने वाली है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी इसका जो फर्स्ट हाफ है तकरीबन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये 1 घंटे 20 मिनट का इसका फर्स्ट हाफ होने वाला है। कहने का मतलब है कि जो इसका दोस्तों इंटरवल होगा वह 1 घंटे 20 मिनट के बाद आपको इसको इंटरवल देखने को मिलेगा, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। बाकी काल की मूवी का जो क्रेज़ है, जो हाइप है, वो दोस्तों ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती दिनों में काफ़ी तगड़ा बिजनेस करेगी दोस्तों, ये बात तो पक्की है। लेकिन भाई उसके बाद अगर मूवी अच्छी हुई तो भाई साहब, हर मूवी की बात कर रहा हूँ, कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई तू तो परवाज़ का हेटर है। भाई मैं हेटर किसी का नहीं हूँ, मैं हर किसी की बात करता हूँ, किसी भी मूवी की बात करता हूँ। किसी भी खान ले लो, किसी को भी कपूर ले लो, किसी को भी परवाज़ ले लो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो, कि भाई हर मूवी के लिए अच्छी दो रनिंग वाली मूवी होती है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो, उसके लिए अच्छी मूवी होने की तलाश है दोस्तों। कहने का मतलब है कि अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा म्यूजिक, अच्छी स्टोरी दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। अगर मूवी अच्छी होती है तो भाई संडे को काफ़ी तगड़ा बिजनेस करती है दोस्तों, उस मूवी को अच्छा बोलेंगे। बाकी दोस्तों जो मूवी बेकार होती है वो सिर्फ जुम्मे को यानी कि फ्राइडे को, शनिवार को, इतवार को ही बिजनेस करती है, उसके बाद दोस्तों डब्बा गोल हो जाती है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए। जैसे कि आपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मूवी को देखा दोस्तों, इसने ओपनिंग सही उठाई, उसके बाद शनिवार को कलेक्शन सही करा दोस्तों, उसके बाद संडे को कलेक्शन दोस्तों सही करा, उसके बाद दोस्तों भाई साहब मंडे को क्या हुआ, भाई धड़ाम से गिर गए नीचे, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। अक्षय कुमार करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म पृथ्वीराज के बाद सेकंड नंबर पर आ चुकी है दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। बाकी काल की मूवी का जो मैंने आपको रन टाइम बताया था 2 घंटे 49 मिनट का फर्स्ट हाफ 1 घंटे 20 मिनट का होने वाला है। बाकी इसकी मूवी की जो स्टार कास्ट होने वाली है, भाई परवाज, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण लीड रोल के अंदर है। इस मूवी को डायरेक्ट करा नाग अश्विन ने। ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी दोस्तों बताई जा रही है। दोस्तों पैन इंडिया का मतलब यह होता है कि जो कि जिस मूवी को हर भाषा में दोस्तों रिलीज कर जाए उसे बोलते हैं पैन इंडिया। भाई साहब यहाँ पर देखा जा रहा है इस मूवी का बजट 600 करोड़ से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। बाकी ये मूवी 27 जून को सिनेमाघरों में आएगी, यानी कि भाई साहब इसी महीने 27 तारीख को बॉक्स ऑफिस को फाड़ेगी, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों परवाज़ के फैंस के द्वारा। बाकी आप काल की मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।